भिलाई चिरोदा नगर निगम के गौरव पद से होकर पदुम नगर की ओर जाने वाली जर्जर सड़क का कायाकल्प होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल ने भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर और महापौर निर्मल कोसरे सहित उनके एमआईसी सदस्य और पार्षद विशेष रूप से शामिल रहे। गौरतलब है कि 96 लाख रुपए की लागत से इस सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण ऐश्वर्या गैस से पदुम नगर तक स्थित श्रीराम सिटी तक होना है। नगर निगम महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में जन भावना के अनुरूप विकास की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बरसों से उपेक्षित गौरव पद से पदुम नगर को ऐश्वर्या गैस एजेंसी के पास से जोड़ने वाली सड़क के कायाकल्प करने भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। चैतन्य बघेल ने ओएसडी मनीष बंछोर व महापौर निर्मल कोसरे की मौजूदगी में 96 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन किया। उन्होंने महापौर निर्मल कोसरे से सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कही। महापौर निर्मल कोसरे ने बताया कि पदुम नगर भिलाई चिरोदा निगम क्षेत्र की पौष कॉलोनी में शामिल है। इस कॉलोनी के लिए गौरव पद से पूर्व में बनी WBM सड़क बेहद खराब हो गई है, जिससे न केवल पदुम नगर बल्कि सड़क के दोनों ओर तेजी से विकसित हो रहे वसुंधरा नगर उत्तर कॉलोनी के लोगों की आवाजाही खतरों से खेलकर हो रही थी। खासकर बारिश के मौसम में लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही थी, लेकिन आने वाले दिनों में सीमेंट कॉन्क्रीट सड़क बन जाने से लोगों को इस मार्ग से गुजरना काफी सुगम होगा। नगर निगम भिलाई चिरोदा के पदुम नगर वार्ड में वर्षों से लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए मांग किया जा रहा था। ऐश्वर्या गैस एजेंसी के पीछे का जो रोड गया है, पदुम नगर तक गया है, बहुत पहले से वहां पर लोगों की बसाहट रही है। जब विधानसभा चुनाव के समय और हमारे पार्षद चुनाव के समय माननीय हमारे मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी जब उस क्षेत्र में गए थे, लोगों ने उनसे एक मांग रखी थी कि उस रोड का निर्माण होना चाहिए। तो उसको मैंने प्रस्ताव बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि वो रोड काफ़ी जर्जर है और उस रोड को बनाया जाना चाहिए ताकि मुख्य मार्ग से पदुम नगर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए राशि स्वीकृत की और 96 लाख रुपए की राशि से सीमेंटीकरण किया जाना है। 40 फीट रोड के लिए वहाँ पर चिन्हांकित किया गया है। 5 मीटर की रोड वहाँ पर बनाई जानी है। उसके बाद जैसे ही रोड का निर्माण होगा, अगल बगल में जगह छोड़ा गया है, फिर उसके बाद उसमें नाली का निर्माण किया जाएगा, जिसके भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 18 नवंबर को कर चुके थे, जिसका विधिवत रूप से कल नारियल फोड़ के माननीय चैतन्य बघेल जी के द्वारा उस कार्य की शुरुआत मेरी उपस्थिति में की गई। बहरहाल इस अवसर पर निगम के एमआईसी सदस्यों सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता व निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।